मुसलमान होने की सजा या कुछ और। अदाकार शेजान खान की फैमिली शदीद मुश्किलात का शिकार, वालदा और बहन का सप्ताह से जज्बाती पैगाम। नौजवान भारतीय अदाकारा तनीषा शर्मा को खुदकशी पर मजबूर करने के इल्जाम में गिरफ्तार। अदाकार शेजान खान की फैमिली शदीद मुश्किलात का शिकार है। बेटे की जुदाई में उनकी वालदा और बहन अस्पताल पहुंच गई हैं, जहां उनकी वालदा ने इंतहाई जज्बाती पैगाम जारी करते हुए सवाल पूछा है कि क्या उन्हें मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। तनीषा शर्मा ने टीवी सीरियल अली बाबा दास्तान काबुल में शेजान खान के मुद्दे मुकाबल काम किया। अदाकारा ने 24 दिसंबर को मुंबई के करीब सीरियल के सेट पर खुदकुशी कर ली थी। तनीषा शर्मा और शेजान खान के दरमियान अफेयर चल रहा था, लेकिन चंद रोज पहले दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो गया था। तनीषा की वालदा ने शेजान खान पर बेटी को धोखा देने और उसे खुदकुशी पर उकसाने और इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालने का इल्ज़ाम भी लगाया। दूसरी तरफ शेजान खान की वालदा और बहन अदाकारा फलकनाज तबीयत नासाज होने के बाद इस वक्त अस्पताल में दाखिल हैं, जहां से उनकी वालदा ने जज्बाती पैगाम शेयर करते हुए कहा कि हमें किस बात की सजा मिल रही है। अदाकार शेजान खान की वालदा ने तस्वीर इंस्टाग्राम पोस्ट की। उन्होंने अपनी बेटी और अदाकारा फलकनाज की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्हें अस्पताल के बेड पर जेर इलाज देखा जा सकता है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, सब्र। अदाकार की वालदा ने ट्वीट इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि मैं ये समझने से कासर हूं कि हमारे ख़ानदान को सजा क्यों और किस वजह से मिल रही है। मेरा बेटा शेजान गुज़श्ता एक माह से बगैर किसी सबूत के जेल में कैदी की सजा काट रहा है। शेजान खान की वालदा ने सवाल किया कि शेजान और तनीषा का अपने रिश्ते को ख़त्म करना गुनाह या गैरकानूनी था? क्या हमें इस बच्ची से प्यार करने का हक नहीं था क्योंकि हम मुसलमान हैं? कोई है जो हमें बताए कि हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है?